नमस्कार, मैं हूं ज़ैनब और आप देख रहे हैं टुडे स्टेटमेंट। बिग बॉस 13, बिग बॉस का नाम आता नहीं कि सलमान खान की तस्वीर आंखों के सामने पहले आ जाती है और साथ ही ढेर सारे ड्रामे की एक्सपेक्टेशन भी। लेकिन सलमान खान इन दिनों फिल्म भारत की सफलता का जश्न मना रहे हैं और इस बीच सलमान खान के एक ट्वीट ने फैंस की एक्साइटमेंट को और भी बढ़ा दिया है। सलमान खान ने रविवार को अपनी एक तस्वीर ट्विटर पर शेयर की। इसके साथ कैप्शन के तौर पर लिखा कि कुछ नया आने जा रहा है। तस्वीर में सलमान खान एक चेयर पर बैठे नजर आ रहे हैं और उनके पीछे लाइट्स नजर आ रही हैं। सलमान का एक मूविंग चेयर पर यूं बैठे रहना कई प्रोजेक्ट की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जिस बात के कयास लगाए जा रहे हैं वो बिग बॉस है। बिग बॉस के सीजन 13 की तैयारी शुरू हो गई है। खबर तो ये भी आ रही है कि इन दिनों शो में शामिल होने वाले सदस्यों के सिलेक्शन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है और कुछ वेबसाइट्स ये दावा भी कर रही हैं कि बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट्स की लिस्ट लीक हो गई है। लेकिन जब इन नामों से पूछा गया कि क्या वे सच में बिग बॉस 13 में कंटेस्टेंट होंगे, तो जवाब कुछ अटपटे से आए। लीक हुई लिस्ट में नाम रहा बॉक्सर विजेंद्र सिंह का, जिनका कहना है कि वह बिग बॉस 13 में आने की रुचि नहीं रखते हैं। वहीं एक्ट्रेस महिमा चौधरी और जरीन खान ने भी इसे फॉल्स न्यूज कहकर टाल दिया। डिजाइनर रितु बेरी ने भी कुछ ऐसा ही जवाब दिया। वहीं स्ट्रॉन्ग बस क्रिएट करने वाली पवित्र रिश्ता की एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे के सोर्सेज ने इनकार किया है कि वह शो में नहीं दिखेंगी। अभिनेता हिमांश कोहली ने तो मना करने के साथ ये भी कहा कि उनसे तो इस बारे में संपर्क भी नहीं किया गया है। बिग बॉस का नया सीजन आए या ना आए, कोई लिस्ट पर इनकार करे या फिर स्वीकार करे, ये तो बात की बात है। लेकिन पूरा भारत सलमान और उनके तंज का इंतजार बेसब्री से कर रहा है, क्योंकि ईद पर तो सलमान का इंतजार होता ही है। साथ ही उन्हें अन्य प्लेटफॉर्म्स पर देखने के लिए जनता भी बेकाबू रहती है।